Dear student, today we are taking the topic challenge to the political parties from political parties of democratic politics class 10th. तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि व्हाट आर द चैलेंज फेस बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, कौन कौन से चैलेंज हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रही हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कौन कौन से चुनौतियां हैं. वी हैव सीन, हमने ये देखा है कि हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए, लोकतंत्र के डेमोक्रेसी के वर्क के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से के इम्पॉर्टेंट वन हैं, दी आर द क्रूशियल वन. सिंस पार्टी आर मोस्ट विजिबल फेस ऑफ द डेमोक्रेसी, क्योंकि पार्टी जो है लोकतंत्र का विजिबल फेस है, दिखाई देने वाला फेस है, विजिबल फेस है. इट इज़ नेचुरल और ये प्राकृतिक है दैट पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर वाट एवर इज रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र के कामकाज में जो कुछ गलत हो रहा है, वाट एवर इज रॉन्ग द पीपल्स और जो है कंटिन्यूसली ब्लेम और इम्पोज द एलिगेशन ऑन वन अनदर, दिस वन इज द नेचुरल वन. ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो है पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फेक्शन विद द फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी टू परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल, और पूरी दुनिया में जो है पीपल जो है अपने स्ट्रॉन्ग ताकतवर जो है असंतुष्टि एक्सप्रेस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनके कामकाज में फेलियर रहने के कारण वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती. And that's why the peoples all over the world express their strong dissatisfaction with the failure of the political party. Political parties ke failure hone ke saath hi, because they do not perform their duties well. This is the case in our country too, aur yahi case hamare desh mein bhi hai. Popular dissatisfaction and criticism has focused on the problem area in the working of the political parties, or popular dissatisfaction or prasiddh asantushti or criticism jo hai usne char problem areas ko political parties ke kamkaj mein jo hai char problem area jo hai un par focus kiya hai. Political parties need to face and overcome these challenges in order to रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़रूरत है इस इनको ओवरकम करने की और इसको मुकाबला करने की इन चैलेंजेस का, जिससे कि वो डेमोक्रेसी में इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे बनी रहें. द फर्स्ट चैलेंज इज द लेक ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी. फर्स्ट चैलेंज जो डेमोक्रेसी के सामने पॉलिटिकल पार्टीज के सामने है, द फर्स्ट चैलेंज इज द लेक ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी. और फर्स्ट चैलेंज जो है वो लेक ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज देयर इज नो डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी. पार्टी के अंदर जो है अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है. ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ टेंडेंसी इन द पॉलिटिकल पार्टी टूवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप, और जो है पूरी दुनिया में जो है ये टेंडेंसी है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें जो है एक या कुछ टॉप पार्टी लीडर्स जो होते हैं उनके हाथ में जो है पावर कंसंट्रेट रहती है. पार्टी डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, और पार्टी जो है मेंबरशिप रजिस्टर भी नहीं रखती. डू नॉट मेंटेन द मेंबरशिप रजिस्टर, और पार्टीज जो है पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट मेंटेन द मेंबरशिप रजिस्टर, मेंबरशिप रजिस्टर को मेंटेन नहीं रखती. डू नॉट होल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, और ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं होती है. एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली, और लगातार जो है वो अपने इंटरनल इलेक्शंस को भी कंडक्ट नहीं कराते. ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशियंट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन इनसाइड द पार्टी, और साधारण कार्यकर्ता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता को ये सफिशियंट सूचना नहीं आती कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पार्टी इनसाइड द पार्टी, और साधारण कार्यकर्ता को ये पता नहीं रहता कि
व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन साइड द पार्टी, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है. दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कॉन्शियस नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन, और ना ही उनके पास कोई साधन होते हैं, ना ही कोई कनेक्शन होते हैं फ्रॉम दैट दे नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन, जिससे वो जो पार्टी के डिसीजन हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकें. एज ए रिजल्ट ऑफ द लीडर्स, और इस रिजल्ट से लीडर जो हैं दे एज्यूम द ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द पार्टी, और पार्टी के नाम पर जो बड़े लीडर्स हैं, द लीडर्स होल्ड पावर, होल्ड कंसंट्रेट द पावर इन द हैंड ऑफ देम, दे मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द पार्टी, दे टेक ऑल द डिसीजंस, वे सभी डिसीजंस पार्टी के नाम पर खुद ही लेते हैं, और दे एज्यूम द ग्रेटर पावर, वह उनके पास जो है बहुत ज़्यादा ताकत होती है. सिंस वन और फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर्स इन द पार्टी, और एक या कुछ लीडर्स ही जो हैं बहुत ज़्यादा ताकत जो है पैरामाउंट पावर्स जो है पार्टी के अंदर एक्सरसाइज करते हैं. दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप, और जो लीडरशिप से डिसएग्री रहते हैं, दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी, और उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि वो जो हैं लगातार पार्टी के अंदर बने रहें. दे मे बी डिसमिस, दे मे बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द पार्टी इफ दे रेज फिंगर्स टूवर्ड द लीडरशिप ऑफ द पार्टी. मोस्ट देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट, और बहुत ज़्यादा लॉयल्टी जो है पार्टी प्रिंसिपल के साथ और पॉलिसीज के साथ, उस पर्सनल लॉयल्टी भी जो लीडर के प्रति है, दैट इज़ आल्सो बिकम मोर इम्पोर्टेंट, वो जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनती जा रही है. द सेकेंड चैलेंज ऑफ द डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, और सेकेंड चैलेंज जो है वो डायनेस्टिक सक्सेशन है, वो यानी कि वंशवाद है, यानी कि जो है मंत्री का बच्चा फिर जो है मंत्री, ये फर्स्ट वन जो चैलेंज है लैक ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी, उसी से रिलेटेड है. सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर देयर फंक्शनिंग, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खुला और ट्रांसपेरेंट पारदर्शी प्रक्रियाएँ अपने कामकाज में नहीं अपनाती हैं, प्रैक्टिस नहीं करती हैं. देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर ऑर्डिनरी वर्कर्स टू राइज ऑन द राइज टू द टॉप इन ए पार्टी, और इसलिए जो ऑर्डिनरी वर्कर होता है उसके लिए बहुत मुश्किल रहता है कि वो जो है टॉप पार्टी के टॉप पर चला जाए. दोज हु हैपन टू बी द लीडर्स आर इन ए पोजिशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर क्लोज टू दैम, और जो लोग जो हैं पार्टी लीडर्स हैं और तो उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज की स्थिति है कि वो अपने जो उनसे क्लोज लोग हैं उनको फेवर करें, और इवन द फैमिली मेम्बर्स, और अपने फैमिली मेम्बर्स का फेवर करें. इन मैनी पार्टीज, कई पार्टी में जो टॉप पार्टी पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली, जो टॉप पॉलिटिकल पार्टी के जो पोस्ट होल्डर्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं फैमिली मेंबर्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. दिस इज अनफेयर टू अदर्स मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी, और ये उसी पार्टी के दूसरे मेंबर्स हैं उसके लिए अनफेयर है, अनुचित है. दिस इज आल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी, और ये लोकतंत्र के लिए ठीक भी नहीं है. सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडुकेट एक्सपीरियंस, और चूँकि लोगों को जो है काफ़ी एक्सपीरियंस नहीं होता और पॉपुलर सपोर्ट वो नहीं रखते हैं, दे कम टू ऑक्यूपाई पोजिशन ऑफ पावर, और वो जो टॉप पार्टी पोस्ट हैं उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं. दिस टेंडेंसी प्रेजेंट इन सम मेजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये प्रवृत्ति जो है ये पूरी दुनिया में ये इस तरह की प्रवृत्ति है कि जो पार्टी जो व्यक्ति जो है पॉपुलर नहीं है और जो पार्टी लीडर्स के क्लोज हैं वही जो है बड़ी पोस्ट जो है उसको ऑक्यूपाई कर रखते हैं, इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसी, यहाँ तक कि कुछ जो पुरानी डेमोक्रेसी है उसमें भी.
द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ द मनी एंड मसल्स पावर इन द पार्टी, और तीसरा चैलेंज जो है वो मनी एंड मसल्स पावर्स का है पार्टीज के अंदर, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द इलेक्शन, खासतौर पर इलेक्शन के टाइम पर, सिंस पार्टीज आर फोकस ऑन दी ऑन विनिंग इलेक्शन, क्योंकि पार्टियों का जो फोकस रहता है केवल इलेक्शन जीतने में ही रहता है, दे टेंड टू यूज शॉर्टकट टू विन इलेक्शन, इसलिए वो प्रयास करती हैं कि किसी शॉर्टकट माध्यम से इलेक्शन को जीता जाए, दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु हैव और कैन रेज लॉट ऑफ मनी, और वो उन कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं जो बहुत सारे धन को रेज कर सकते हैं, लॉट ऑफ मनी रेज कर सकते हैं, या जिनके पास बहुत सारी मनी होती है, रिच पीपल्स एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टीज, और जो रिच पीपल्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देती हैं, चंदा देती हैं, दे टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी, वो पार्टी के डिसीजन और पॉलिसीज को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स, पार्टी जो है क्रिमिनल्स को ही सपोर्ट करती है, हु कैन विन इलेक्शन, जो इलेक्शन जीत सकते हैं। डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ द रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और जितने भी डेमोक्रेटिक हैं, डेमोक्रेट्स हैं जो लोकतंत्र को पसंद करते हैं पूरी दुनिया में, वो बड़ी कंपनी और रिच पीपल्स का लोकतांत्रिक राजनीति में बढ़ते हुए रोल से वरीड हैं। द फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफन पार्टी डू नॉट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस, और फोर्थ चैलेंज जो है वो ये है कि जो जनरली पार्टी जो है वो ऐसा प्रतीत नहीं होगी, प्रतीत नहीं होता कि वो मीनिंगफुल चॉइस जो है वोटर्स को देती हैं। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस देने के लिए पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, पार्टीज़ को जो है महत्वपूर्ण तरीके से डिफरेंट होना पड़ेगा। इन द रिसेंट ईयर्स, फिलहाल के सालों में, देयर हैज बीन ए डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अमंग द पार्टीज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ज़्यादातर दुनिया के हिस्सों में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें विचारधारा की जो अंतर है बहुत ही कम होता चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज वेरी लिटिल, और जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टीज के बीच में ब्रिटेन के अंदर, वो बहुत कम है। दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट, वो जो हैं जो मूल पहलू हैं उन पर एग्री होते हैं, बट डिफर ओनली इन डिटेल्स ऑन हाउ पॉलिसीज आर टू बी फ्रेम्ड, और वो उस पर अलग राय रखते हैं कि पॉलिसीज को किस तरह फ्रेम किया जाना है और उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। इन आवर कंट्री टू, हमारे देश में भी डिफरेंस अमंग द ऑल मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस, और हमारे देश में भी जो डिफरेंस बड़ी पार्टियों के बीच में इकोनॉमिक्स नीतियों के आधार पर वो धीरे धीरे कम हो गया है। दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज, और जो बिल्कुल अलग पोजीशन चाहते हैं, दे हैव नो ऑप्शंस अवेलेबल टू देम, तो उनके लिए कोई ऑप्शंस उपलब्ध नहीं है। समटाइम्स पीपल कैनॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स, कभी कभी लोग जो हैं बिल्कुल अलग व्यक्ति को नहीं चुन सकते इधर, बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स, और वही जो लीडर्स हैं, सेट ऑफ लीडर्स जो हैं, दे कंटिन्यूस कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, और वो लगातार जो हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी में वही लीडर जो हैं, सेट ऑफ लीडर्स जो हैं, वो कंटिन्यूस शिफ्ट करते रहते हैं।